मिडिल ईस्ट में पिछले काफी समय से युद्ध जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। इसराइल और हमास के बीच गाजा में जहां भीषण जंग जारी है, तो वहीं हमास के शीर्ष नेताओं की हत्या से इसराइल और ईरान के बीच भी युद्ध जैसा माहौल तैयार हो गया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट वो ज्वालामुखी बन गया है जो किसी भी वक्त बड़े और भयंकर युद्ध के रूप में फट सकता है, जिसकी जद में पूरी दुनिया के आने का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लगातार रोकने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। सिर्फ एक चिंगारी इसराइल और ईरान के बीच कभी भी वॉर का बिगुल बजा सकती है, जहां इसराइल विरोधी ताकत एक होकर बड़ा हमला करने की फिराक में है। इसी बीच एक खबर ने मिडिल ईस्ट की धधकती आग को और भड़काने का काम किया है। दरअसल सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। इस भीषण हमले की अब तक किसी भी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि शक की सारी सुई या सीधे तौर पर ईरान और उसके मिलिशिया ग्रुप पर जाती दिख रही है। सीरिया के रुमालिंग लैंडिंग जोन में अमेरिकी और गठबंधन सेना के खिलाफ मानव रहित एयरलिफ्ट सिस्टम से हमला हुआ है। अमेरिका ने बताया कि इस हमले में किसी के भी घायल होने या कुछ भी नुकसान होने की खबर नहीं है। यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया। डिफेंस ऑफिसर ने बताया कि यह हमला 9 अगस्त की शाम में करीब 5 बजे हुआ। दावा है कि हमले वाली जगह पर आग लगने के आसार है। पूर्वोत्तर अल हसाका प्रांत में अमेरिकी कब्जे वाले खरब अलजिर एयरबेस पर हमला हुआ। पश्चिमी इराक में भी इस हफ्ते की शुरुआत में हमला हुआ था। इसमें 5 अमेरिकियों के घायल होने की खबर सामने आई थी। यह हमला अल अयद एयरबेस पर 2 रॉकेट से किया गया था। इसके लिए अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ईरान के मिलिशिया ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि इस हमले के पीछे किस ग्रुप का हाथ है। दावा है कि अमेरिकी एयरबेस पर हमले ऐसे समय पर हो रहे हैं जब अमेरिका समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स अल हसाका और काशिमली शहरों में अपनी घेराबंदी बढ़ा दी है। इसके चलते सीरियाई सरकार के कब्जे वाले इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसमें कामिशली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़कें भी शामिल हैं। बताया जाता है कि एसडीएफ ने वाहनों और ट्रकों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। इसमें मानवीय संकट गहराने लगा है। इसके अलावा एसडीएफ ने कई सीरियाई सेना के अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार भी किया है। अरब की न्यूज एजेंसी अल मयादीन के मुताबिक इस घेराबंदी के साथ एसडीएफ का मकसद सीरियाई सेना पर दबाव डालना है। बता दें कि मौजूदा समय में करीब 900 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य कर्मी कार्यरत हैं, जो कि इस्लामिक स्टेट में लोकल कुर्द फोर्स का समर्थन करते हैं। इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बाद से ही ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप ने इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया हुआ है। 18 अक्टूबर 2023 के बाद से ये चरमपंथी समूह अब तक 170 से ज्यादा हमले कर चुके हैं। इसे इसराइल और हमास युद्ध के बदले के तौर पर माना जाता है।